बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज मेरी शर्ट की तरह ही एक तकरीबन उसी कलर का हमारे पास एक बाइक है, जिसके बारे में हम तफसील से आगे जानेंगे कि कौन सा मोटरसाइकिल है, और स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर अ स्पेशल गेस्ट, वो भी हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद होंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हम मौजूद हैं इस वक्त ओडब्ल्यू मोटर्स लाहौर पे, और तमाम इनके सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। डू गो ओवर देयर, फाइंड देम, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू देम एज वेल। इन पर्सन अगर आप लोग आना चाहते हैं तो पीको रोड लाहौर पे ये मौजूद है, जिसे हम टाउनशिप कहते हैं, वहाँ पे आके इन पर्सन भी आप इनकी जितनी भी कैटेगरीज हैं मोटरसाइकिल्स की सब चेकआउट कर सकते हैं। बहरहाल, अगर अभी तक आपने बाइक माइट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहें। तो मिलते हैं सबसे पहले हम द ऑनर ऑफ दिस शोरूम उमर भाई से, और फिर आगे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमर भाई आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इतने बड़े ये साइज क्यों बढ़ता जा रहा है बाइक्स का? क्योंकि उनको लुक्स कौन सी है, ओरिजिनल के करीब करीब लेकर जा रहे हैं ना। ओरिजिनल अच्छा। बाइक जो BMW S1000 RR है, वो बिल्कुल इसी के यही सेम, उसकी जो शेप्स और मेजरमेंट सारी सेम है उसकी, बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर जब हम बैठे थे तो बेरली हमारे फुट टच हो रहे थे नीचे, तो ये तकरीबन आप टूरिंग बाइक या एडवेंचर बाइक वाला साइज ही आता जा रहा है अब इनमें तो? नहीं, एडवेंचर बाइक का साइज तो आ रहा है, लेकिन उसका सीटिंग पोस्चर तो उसमें का नहीं है, वो तो नहीं, ये तो प्रॉपर एग्रेसिव स्टाइल हो गया ना इसका। इसका साइज और खासतौर पर सीटिंग पोस्चर तो सेम उसी तरह ही है कि जितना कि हम अपनी जो ओरिजिनल बाइक में देखते हैं ना, वही चीज आपको इसमें देखने को मिल रही है इस बाइक में। ठीक है, थोड़ा सा तारुफ करा दें इस बाइक का। BMW S1000 RR का डिटो रेप्लिका है, जो कि लेटेस्ट शेप इस वक्त मार्केट में जो ओरिजिनल जैपनीज बाइक है उसकी चल रही है, सेम उसी की उन्होंने शेप कॉपी की है, लेकिन 400 सीसी के अंदर आती है, लेकिन इसको अपग्रेड किया गया है। इसके अंदर डुअल चैनल ABS भी लगा दिया गया है, EFI भी आ गया है, और इन्वर्टर शॉक्स भी दे दिए गए हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर TFT डिस्प्ले, और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी इन्हेंस किया गया है। एलुमिनियम स्विंग आर्म इसके अंदर आपको देखने को मिल गया है। टायर्स बड़े साइज इन्होंने कर दिए, बैक 160 का कर दिया है, फ्रंट 120 का कर दिया है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को और काफ़ी चीज़ों को इनको इम्प्रूव किया है बाइक के अंदर। डोंट यू थिंक कि फ्रंट टायर का साइज बड़ा होने की वजह से कटिंग में थोड़ी सी इशू होता होगा? नहीं नहीं, बल्कि उससे बाइक की जो एक्चुअल जो साइज आता है ना ओरिजिनल बाइक में भी, वो भी 120 का ही आता है फ्रंट में, जो बड़े इंजन के साथ आता है। नहीं, बड़े इंजन की बात नहीं, उसकी रोड ट्रिप उसना की है ना। अच्छा, जो बेसिकली 120 का और 160 का जो एक जो बनता है ना, जिसना के 110 का और 150 का, सही इसी तरह 120 का फ्रंट और 160 ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इससे बाइक की ग्रिप मजीद अच्छी होती है। ठीक हो गया। आज आपके लिए हैरत की बात होने वाली है, क्योंकि जो स्पेशल पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, शायद ही कभी आपने उन्हें किसी चाइनीज रेप्लिका मोटरसाइकिल की वीडियो में देखा हो, लेकिन आज आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, उन्हें हम इनवाइट करते हैं, उनसे भी रिव्यू जानते हैं इस बाइक का। तो हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन मिस्टर अकीक अंसारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इससे पहले कि वीडियो कंटिन्यू हो, यार चाय वाला आ गया है, प्लीज़ यार चाय पीने दें आप लोग, ठीक है? बहुत दूसरी मरतबा गर्म होकर आइए इंशाल्लाह। इसके बारे में हम जरूर बताएंगे। कराची चाय कह रहे हैं यार, चाय चाय चाय, वो एक घंटा गुजर गया मैं रखा। उर्फे आम में कहते हैं ऐसी तैसी ऐसे काम की जो चाय भी ना मिले शाम की। इसलिए कहा पहले चाय पीते फिर आप लोगों को बता दें, वाकईतन मुझे बड़ी अच्छी लगी है। अच्छा अकीक भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि 4-5 साल पहले वाले रेप्लिकास जिनका आपने बायकॉट किया था और आज के रेप्लिका में कितना एक फर्क देख रहे हैं आप? देखें उमर भाई, रेप्लिका का बॉयकॉट करने की वजह सिर्फ ये थी कि होता यह है कि लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना एक मोटरसाइकिल से, कि यार मैंने R6 जैसी बाइक ले ली, मैंने BMW जैसी बाइक ले ली, अब वो जब मैंने बताया कि मैं उसको 100-120 पे चला रहा हूँ, तो लाहौर के रिक्शे मुझे क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, और फिर उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ आ जाते थे। इसके अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आई, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि दूसरे हमारे उमर भाई ने बताया ये, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें बनाना स्विंग आर्म दिया है, मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ किसी, मतलब एक समझे कि चाइनीज रेप्लिका के अंदर इन्होंने जो है वो एक बनाना स्विंग आर्म इसके अंदर दिया, रिवर्स बनाना स्विंग आर्म दिया है, और बड़ा खूबसूरत इसके अंदर लग रहा है। और इसी तरह से अगर मैं अगर इसके इंजन का सिर्फ आप समझें कि वो देख रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग देख रहा हूँ स्टैंडर्ड्स, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा एक फिनिशिंग आ रही है,
वरना पहले क्या होता था, एक बड़ा चीप सा एक मटेरियल उसके अंदर यूज हो रहा होता था, वो प्राइमर ऊपर लगा हुआ नजर आ रहा होता था यार, ये क्या वो पता नहीं क्या क्या चीजें जुड़ी हुई। इसमें एक फिनिशिंग ओवरऑल नजर आ रही है, और आगे आप देख सकते हैं TFT स्क्रीन भी इसमें इन्होंने दिया है, आपसे इनको दिखाएंगे, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा पोस्चर लग रहा है। ये बड़ा एक कैंडी रेड, देख के तो मुझे टॉफी खाने का दिल चाह रहा है, ठीक है ना। इट्स वेरी क्लोज टू दी आप जो आपको एक बवेरियन या आपको अल्लाह भला करे जो आपको जर्मन मोटरसाइकिल मिलती है, तो उसके क्लोज की पेंट जॉब भी बहुत अच्छी लग रही है। कार्बन फाइबर एक्सेंट्स हैं इसके, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे लुक्स वाइज बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक चला के तो देखा नहीं है, साउंड भी देखी नहीं है, जाहिर है कि वो 4 सिलेंडर होगी, बट दिस इन लुक्स आई थिंक उन्होंने बहुत हद तक जो है ना बहुत करीब आ गए। Came a long way since, जी हाँ, वो 2000s and 2019, so improve तो definitely हुई है ये चीज। और अकीक भाई को कुछ guest आ गए हैं, मुझे लगता है इन्हें जाना होगा, तो हम continue करते हैं अपनी video को। Thank you so very much, thank you so much भाई, for your input। अच्छा उमर भाई, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस और लुक्स दोनों में डेफिनेटली इजाफा हुआ, कीमत में तो इजाफा नहीं हुआ कहीं? नहीं, कीमत में हमें कोशिश की है कि कीमत कंप्रोमाइज़ रखा जाए, मार्जिन को थोड़ा सा कम किया है, और एक चीज़ वो दी है कि जो मार्केट के अंदर अच्छी प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे फीचर के साथ मार्केट में जाए, तो इस वजह से हम आपके सामने अपनी क्वालिटी जितनी भी बाइक्स हैं, वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि आप हम जो चीज़ एफर्ट कर रहे हैं लोगों तक उसका इमेज जाए, कि उनको पता चले कि कौन सी बाइक आई है, ताकि वो शोरूम विजिट करें और रियल अपनी जो आईज उससे देखें कि बाइक वाकई उसमें कोई इम्प्रूवमेंट। मैं खुद देखें, मैं तो करता ही रहता हूँ रिव्यू, मेरा चैनल भरा हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट अ बाइक एंड आई एम लाइकिंग इट, यार क्या बात है यार। अब कुछ नज़र आ रहा है कि लिटरली कुछ इस बॉक्स में पैक हो के लिटरली कोई चीज़ आई है और अच्छी चीज़ आई है, जैसे कि अकीक भाई भी बता रहे थे, ही इज़ ऑल्सो स्टंड एंड स्टोक्ड बाय लुकिंग एट इट, के यार दे हैव लिटरली कम अ लॉन्ग वे। अब ये वो वाले रेप्लिका नहीं रहे, दे आर कमिंग क्लोज, वेरी क्लोज। अच्छा, इसमें आपने डुअल चैनल ABS का भी इजाफा करवा दिया, ठीक है, इसमें EFI भी हो गया, इसके अंदर आ गया है, ठीक है। इसके अलावा टायर्स का मैंने आपको पहले बता दिया, उसके अलावा बेसिकली ये न्यू मॉडल है जो BMW इस वक्त न्यू शेप चल रहा है, ठीक है, और बिल्कुल डिटो। बहुत से कस्टमर हमारे पास आते हैं, ऑल्दो वो सिर्फ विजिट के लिए आते हैं, जब वो उन्होंने हमारे चैनल पे वीडियोस इसकी देखी, तो वो जब देखने आए फिजिकली तो वो परेशान हो गए कि यार कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये कहीं रेप्लिका बाइक है। Exactly. नॉर्मली आज से पहले जब रेप्लिकास को स्टिकर की मदद से हम उसको बनाते थे क्लोज, तो उसके किसी के कर दिया, कोई कोई कर दिया, लेकिन ये बाइक ऐसी है कि पहली नजर में बंदा कहेगा यार ये तो BMW S1000 है। और इस दफा एफर्ट भी कम लग रही है ना इसे दिखाने के लिए, क्योंकि स्टिकर्स आपको ऐसा नजर ही नहीं आ रहे इस पे, तो वो एक ये खूबी भी है इसकी कि यार स्टिकर ना होने की वजह से भी ये क्लोज तरीन लुक दे रहा है कि हाँ यार दिस इज मतलब दिस इज द एंड ही हो गया इस वक्त, ठीक है। अब इससे अगला जो मॉडल आएगा वो तो और जबरदस्त हो जाएगा जी। और बेसिकली ये कलर भी आप देख रहे हैं ना, नॉर्मली आपने देखा होगा मार्केट में रेड कलर ज्यादातर होता है, लेकिन ये बड़ा कलर आप देखेंगे मैं चूज करके ना डार्क मैरून से कलर का, जिसे बाइक का आप कैमरे में देख रहे होंगे, इसका एक अलग सी इसकी वाइब आ रही है। एग्जैक्टली, अब हो सकता है कि इसका कारपेट अभी रेड है, उस वजह से उतनी उठाओ ना इसका उठे, लेकिन जब बाहर शूट किया है जो कस्टमर्स देख करके हैं डे लाइट में और लुक्स आती है। उसके अंदर साथ साथ आपको बताते चले, इसके जो नॉर्मल जो TFT डिस्प्ले आपको देखते थे, ये तो आपने EFI की भी आपको आई, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर सारी इसकी ना डिस्प्ले मिलेगा, इसके अंदर आपको इसके RPM की, इसकी मीटर्स की, इसकी यहाँ पर आपको मिल जाता है गियर इंडिकेशन, स्पीड, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये बैटरी के वॉल्ट्स भी बता रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये शो करती है। और ये आपको बताऊँ कि ये मीटर जो है ना, ये जिस मॉडिफाई इसको मॉडिफाई करा इसमें एरर आ रहा था, तो इन्होंने बनेली के जो कंपनी थे जो उसका टेक्नीशियन होता है उसी से ये मीटर दोबारा इसकी चिप और सारी चीज़ें जो है मॉडिफाई बनवाई है, यानी क्वालिटी वाइज बाइक्स को उन्होंने नियर टू ओरिजिनल से ले गए हैं। इसी तरह जो इसमें आपको बता रहा हूँ स्विंग आर्म आप देख लेंगे, इतना हैवी किस्म का स्विंग आर्म नॉर्मल बाइक्स आप ओरिजिनल देखेंगे उनमें इस क्वालिटी का और इस लेवल का लगा होता है, रेप्लिकास में नहीं, रेप्लिकास में नहीं आता। हाँ जी, तो इसीलिए ये चीज़ें इसमें की होती है, लेकिन प्राइस का इसमें आपको बताते चले तो सिर्फ 1295 इसकी प्राइस हमने रखी हुई है, 1295। इसमें आपको अब ये भी नहीं है कि हमारी तरीफे करेंगे, इसकी आपको 1 ईयर की वारंटी या 6000 किलोमीटर की कंप्लीट बाइक की वारंटी मिलती है, ठीक है। इसमें किसी किस्म का भी कोई आपको इशू कोई मसला मसाइल आता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करते हैं, और पार्ट ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल होती है। मैं जरा स्टार्ट भी करके देख लूं उसे, 400cc ड्यूल सिलेंडर, हाउ डज इट एक्चुअली साउंड। अभी आइडल में सो गाइज ये थी इसकी साउंड, मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पे DB किलर लगा हुआ है, ये उतारेंगे तो मज़ीद इसकी साउंड में इजाफा हो जाएगा। अगर आपको
गला फाड़ किस्म की प्रॉपर रॉ साउंड चाहिए तो वो आपको डेफिनेटली इस एग्जॉस्ट में भी मिल जाएगी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। लेकिन जाने से पहले उमर भाई ने जैसे आपको बताया कि ये चीज़ें सिर्फ ऐसी नहीं है कि हमने बेचने के लिए रख दी, यहाँ पे कस्टमर केयर को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रहे हैं, साथ ही साथ अपने बाइक पे एतमाद करते हुए एक साल की वारंटी भी दे रहे हैं आपको। सो अगेन, बात वही है कि सी टू बिलीव इट, तो आप यहाँ पे आएँ, इन पर्सन भी इन बाइक्स को देखें और डेफिनेटली आप भी कहेंगे कि डाडो मज़ो आयो, ठीक है, बाइक ही ऐसी आ गई है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए माजरत, लेकिन अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो वेरी मच, यू आर अ लेजेंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अकीक भाई को मजीद ऐसी वीडियोस में देखना है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देखने का, कुर्ता पहन के आप आगे। सो कुर्ता अच्छा लग रहा है इनके साथ, मैं भी सोच रहा हूँ एक आध बनवाऊँ अपने लिए, आपने देखा भी नहीं होगा मुझे कभी कुर्ते में, इंशाल्लाह वेरी सून। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।